हेलो एवरीवन, क्या आवाज आ रही है सबको मेरी? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? यस 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 यस। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग कैसे हैं एक बार बताइए। सारे बच्चे बताइए फटाफट, कैसे हैं आप लोग? यस 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 यस, अ वेरी गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? क्या मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप सब तक? यार मैंने दूसरे सेशन की की एंटर कर दी थी, दूसरा इवेंट चालू हो गया था, अगर आपने देखा हो तो, है ना। हेलो हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? क्या अभी आवाज़ इम्प्रूव हो गई? कल की आवाज़ वाली दिक्कत तो नहीं हो रही है? जो कल सेशन में दिक्कत हुई थी आवाज़ की, वो तो नहीं हो रही है? एंड कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी है गण, कैसे हैं? आज हम लोग कुछ फुल फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स देखेंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हो? आज की तरह बारिश हो रही क्या? हाँ थोड़ी हुई थी, फिर बंद हो गई। ठीक है, ये फुल फॉर्म जो है बार बार आपके एग्जाम, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है पेपर वन बाई रजत सर के नाम से, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर पीडीएफ क्लास के लिंक और ग्रुप पर हमारी बातचीत होती रहती है। ठीक है, अभी आवाज़ परफेक्ट है? अभी भी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आवाज़ लो आ रही है, वॉइस बढ़ाओ। कहाँ आवाज़ स्लो आ रही, देखते एक बार फोन में। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है पेपर वन बाई रजत, कितनी शानदार आवाज आ रही, इसको ज्वाइन कर ली, फिर भी दिक्कत। क्या दिक्कत भाई? आइए, पहला आईसीटी का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। आईपीटीवी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीटीवी? इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल टेलीविजन, इंटरनेट प्रोलिफरेशन टेलीविजन, इंटर प्रोविजनल टेलीविजन और इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। आवाज लो आ रही है? कहाँ लो आ रही है भाई, आवाज तो ठीक है बाबा। वॉल्यूम बढ़ाना हमारे हाथ पे नहीं बेटा, वॉल्यूम फुल है, आपके फोन में दिक्कत होगी बेटा। है ना बेटा, आपके फोन में प्रॉब्लम होगी बेटा, अपने फोन को फ्रिज में रखो आप लोग। अभी देखो आवाज ठीक है, आपके लैपटॉप में आवाज़ तो स्लो आएगी बेटा, लैपटॉप में आवाज़ कहाँ होती है? अच्छा अब समझ में आया, जो लोग लैपटॉप वाले हैं उनके में आवाज़ थोड़ी ना आएगी। अरे यार लैपटॉप का स्पीकर लगाओ बेटा। आईपीटीवी, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न, ये आईपीटीवी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अच्छा बताओ बेटा, हम लोग जब ये क्वेश्चन इस बार एग्ज़ाम में आया था, ईमेल में कितने प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं? कितने प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं ईमेल को भेजने में, रीड करने में, एक्सेस करने में, उनको मिलाकर कितने प्रोटोकॉल हमने ईमेल में डिस्कस किए? ईमेल में हमने कितने प्रोटोकॉल डिस्कस किए? ईमेल में हमें पता ही नहीं था, लैपटॉप वाली समस्या है बेटा। ईमेल में कितने प्रोटोकॉल डिस्कस किए तुमने? एक बहुत इम्पोर्टेंट था SMAP, SMAP था। तीन प्रोटोकॉल यूज होते हैं, कौन से तीन प्रोटोकॉल? तीन प्रोटोकॉल SMAP था, क्या कौन था? SMTP, SMTP इसका फुल फॉर्म पता है? SMTP का फुल फॉर्म पता है? SMTP
दूसरा है IMAP, तीसरा POP3। ये तीन प्रोटोकॉल इस बार एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन 18 जून 2024 को। तो क्या होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, IMAP क्या होता है, इमीडिएट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, है ना, इमीडिएट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। पोप का फुल फॉर्म क्या होता है, पोप का टीवी का टेलीविजन बेटा, टीवी का मतलब टेलीविजन है। पोप थ्री क्या है बेटा, पोप थ्री पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, बच्चा बता रहा है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, कौन सा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोप थ्री, वेरी गुड बेटा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, दैट्स ग्रेट। आगे चलते हैं, वेरी गुड, पहला क्वेश्चन कर दिया और आपने धुआं धुआं उड़ा दिया। बताइए इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या है, ट्राई का फुल फॉर्म क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ट्राई, ट्राई का फुल फॉर्म क्या है। यस, तो ट्राई क्या है, टेली सर्विस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीविजन, टेलीफोन, टेली सर्विस टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम इंडस्ट्री का है ये, क्या है, टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए, है ना, टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए। कब ट्राई डेवलप कब हुआ था, कोई बता सकता है, कब ट्राई डेवलप हुआ था, इन विच ईयर ट्राई वॉज डेवलप, कब इसका विकास हुआ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेरी गुड। ट्राई, आप लोगों ने W3 का नाम सुना हुआ है क्या, W3 या W3C का, इनका नाम सुना है आपने, ठीक है, तो 1997 20 फरवरी 1997 में ट्राई फॉर्म हुआ और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। W3 क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, और W3C वर्ल्ड वाइड वेब को मैनेज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। दो क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था ना, क्वेश्चन नंबर तीसरा, कौन सा फुल फॉर्म जो है वो एकदम इनकरेक्टली मैच है, गलत मैचिंग करी गई है, 1997 एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, और डब्ल्यू यानी W3 होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके संस्थापक, जिसके फाउंडर, जिनके इन्वेंटर टिम बर्नर ली थे, क्या थे, टिम बर्नर ली थे, वेरी गुड। कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच हो रहा है, CMOS लिखा हुआ है, कंसिस्टेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, पहला ही गलत है, यहाँ पर होता है कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेमी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, C4 कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये गलत लिखा हुआ है, यही इसका आंसर है। D क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एकदम करेक्ट है। माइकर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, बोलिए यहाँ पर रीडर लिखकर आ जाए या रिकॉग्निशन लिखकर आ जाए, दोनों का ही मतलब सेम है, दोनों ही करेक्ट है। VLSI क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बिल्कुल सही बात है। अब आपको ये बताना है, माइकर जो लिखा हुआ है ये एक इनपुट डिवाइस है या एक आउटपुट डिवाइस है, माइकर एक इनपुट डिवाइस है या एक आउटपुट डिवाइस है, माइकर एक इनपुट डिवाइस है या एक आउटपुट डिवाइस है बेटा, माइकर एक इनपुट डिवाइस है या एक आउटपुट डिवाइस है। बच्चों क्लास को लाइक शेयर कर लिया है आपने, शेयर कर लिया है, अरे बोल दो बोल दो बोल दो,
माइकर एक इनपुट डिवाइस है या एक आउटपुट डिवाइस है? डी रैम में ये एक वोलाटाइल मेमोरी है या नॉन वोलाटाइल मेमोरी है? डी रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है या एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है? डी रैम बताइए डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। क्या है माइकर कोड? क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कहाँ इसका इस्तेमाल होता है? ये एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं है। यूज़ कहाँ पर होता है इसका? ये वी डी रैम डायनेमिक है तो ये क्या है? नॉन वोलाटाइल है। नाम में ये डायनेमिक है, नाम में ये क्या है? डायनेमिक है, नॉन वोलाटाइल है यानी अस्थाई है। ठीक है, क्या है? ठीक है, ओके, यानी स्थाई है, सॉरी, ठीक है, परमानेंट है, ओके, वोलाटाइल। और ये एक इनपुट डिवाइस होगी, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? बैंक की चेक में, बैंक चेक की मैग्नेटिक इंक है ना, बैंक चेक। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, मिडी का फुल फॉर्म क्या है? मिडी, और ये एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या एक सॉफ्टवेयर है, ये एक हार्डवेयर है, या एक एंटीवायरस है, ये क्या है बेटा? या ये वायरस है, क्या है ये मिडी? क्या है बेटा? व्हाट इज मिडी हियर? चेक बेटा, वेरी गुड, चेक 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 माइक चेक, वेरी गुड। व्हाट इज मिडी हियर बच्चों? चेक में यूज होता है मैग्नेटिक इंक के माध्यम से चेक को चेक करने के लिए, बैंकिंग चेक को चेक करने के लिए। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी मिडी, क्या ये म्यूजिकल होता है? क्या ये मल्टी इन्फ्रेंस होता है? मीडिया इंटरचेंज होता है? क्या ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है? यस क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। मिडी का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। क्या होता है? डिजिटल इंटरफेस होता है। ये वायरस होता है? एकदम नहीं, ये इनपुट डिवाइस होती है, हाँ, और ये और कुछ नहीं होता है, एक इनपुट डिवाइस होती है। क्या होती है? एक इनपुट डिवाइस होती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बता सकते हो? क्वेश्चन नंबर 5 फुल फॉर्म से रिलेटेड नहीं है, फुल फॉर्म यही था, आईटी का फुल फॉर्म क्या होगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा हटकर है बेटा, हटकर सही है, थोड़ा हटकर, वेरी गुड। ये क्या है? 2000, सन 2000 में ये एक्ट इनेक्ट किया गया था इंडियन पार्लियामेंट में, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा इसमें जो फुल फॉर्म है वो इनकरेक्ट है? कौन सा फुल फॉर्म जो है इनकरेक्ट है बच्चों? कौन सा फुल फॉर्म जो है इनकरेक्ट है बच्चों? कौन सा फुल फॉर्म जो है वो इनकरेक्ट है माय डियर स्टूडेंट? वोल्प क्या होता है? ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। एकदम करेक्ट है बेटा, डब्ल्यू लैंड वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क लिखा हुआ है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा हुआ है, CMOS अभी बताया, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। गलत कहाँ है फिर? फिर गलत कहाँ है बेटा? गलत कहाँ है? ये गलत कहाँ हो रहा है बच्चा? ये गलत कहाँ हो रहा है बच्चा? बच्चा गलत कहाँ हो रहा है? ये कमेंट दिखाओ, कमेंट दिखाओ। ये डब्ल्यू लैन वायर्ड नहीं होता है, ये वायरलेस होता है। क्या होता है? वायरलेस होता है। अच्छा, तो इसी से एक आपका टेस्ट कर लेते हैं। डब्ल्यू ए एन क्या होता है? डब्ल्यू ए एन में डब्ल्यू क्या होता है बेटा? एरिया नेटवर्क तो होता है वो ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंगली, इसमें वैन मैन पैन लैन ये सब ज्योग्राफिकल भौगोलिक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग होते हैं। व्हाट इज डब्ल्यू ईयर? यहाँ पर डब्ल्यू क्या होता है बच्चे? यहाँ पर डब्ल्यू क्या होता है बच्चे? डब्ल्यू क्या होता है? वायरलेस होता है। बहुत ध्यान से बाबा, बोल्ड ना हो जाना रे, बोल्ड ना हो जाना। डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू ए एन में डब्ल्यू क्या होता है? वाइड एरिया होता है। डब्ल्यू क्या होता है बेटा? यहाँ पर डब्ल्यू क्या होता है? अरे बता दो बच्चे, बता दो, वायरलेस वाले मुर्गा बन जाओ। वाइड एरिया नेटवर्क होता है। कौन सा एरिया नेटवर्क होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वाइड। इसी को बेटा एक और इसमें नाम आता है वैन में, पैन। पैन क्या होता है?
पर्सनल अकाउंट नंबर नहीं बेटा, परमानेंट अकाउंट नंबर भी नहीं, अकॉर्डिंग टू द नेटवर्किंग बताना आपको, एरिया नेटवर्क। पी फॉर पी क्या होता है? प्यार एरिया नेटवर्क। ये क्या बता रहे हो प्यार? ये प्यार क्या होता है भाई? मैंने तो कभी नहीं सुना, ना कभी जिंदगी में करने की कोशिश करना, ये बहुत गलत चीज़ होती है। ठीक है, पी फॉर वेरी पर्सनल मैटर। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है कौन सा नेटवर्क? पर्सनल एरिया नेटवर्क जो आपके पर्सनल वाईफाई ब्लूटूथ जो है। ठीक है, नेवर लव एनीबडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन नाउ। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा पेयर जो है इनकरेक्टली मैच हो रहा है बेटा? कौन सा पेयर जो है इनकरेक्टली मैच हो रहा है बच्चा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक बार क्लास को दबा के शेयर कर लो बेटा, लाइक वाइक कर लो, रोजाना क्लास लेने के लिए हौसला बढ़ाओ हमारा। कल सुबह 11 बजे एक मोटिवेशन मिलेगा आपको, और किस टॉपिक पर क्लास चाहते हो वो भी कमेंट कर देना। इनकरेक्टली मैच की बात कर रहा है। तो जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एकदम करेक्ट है। सिम क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, एकदम करेक्ट है। वीमैक्स क्या होता है? वर्ल्ड वाइड इंटरपोर्टेबल इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, एकदम, ये भी करेक्ट है। जीएसएम जो होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मैनेजमेंट नहीं होता है, मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? ग्लोबल, इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फुल फॉर्म ही डिस्कस कर रहा हूँ। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। मोबाइल कम्युनिकेशन की बात आई तो एक CDMA होता है बेटा, याद आ रहा है? कभी CDMA का नाम सुना था? CDMA में ए क्या होता है? एरे होता है, एक्सेस होता है, अप्रूव होता है, नन ऑफ दिस होता है। CDMA में ए क्या होता है बच्चा? CDMA में ए क्या होता है? ए फॉर एप्पल क्या होता है बेटा? क्या होता है? तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 के बाद 8। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा पेयर इनकरेक्ट मैच? ये सब लिखा हुआ है आपके एग्जाम के क्वेश्चन है बेटा, कहीं बाहर के नहीं है। वेरी गुड बेटा रुचित। 24 फरवरी 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। एरे नहीं होता है, एक्सेस होता है बेटा। वेरी गुड, वेल डन। जवाब दीजिए। आवाज़ स्लो कैसे आ सकती बेटा? आवाज़ तो ठीक आ रही होगी, एक बार चेक कर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा, कहीं बाहर के नहीं है। वेरी गुड बेटा रुचित। 24 फरवरी 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। एरे नहीं होता है, एक्सेस। बताइए, चलिए भाई मैंने चेक करवाया, इसमें आवाज कम है क्यों? ठीक है, इनकरेक्ट मैच की बात। SMS क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस होती है। क्या होती है? सर्विस। आवाज चेक करवाने के लिए बोला है बेटा मैंने, देखते हैं क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। व्लॉग क्या होता है? वेब लॉग होता है। अगर बेटा वीलॉग होता है तो वीलॉग का फुल फॉर्म क्या होता है? VPN होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN क्या करता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, और स्टोरेज की जगह यहाँ पर सर्विस होगा तो वो वीडियो लॉग हो जाता है। क्या हो जाता? वीडियो लॉग हो जाता। क्वेश्चन नंबर 9, सब आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। 21 जून 2023 का क्वेश्चन है। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? What is the full form of ENIAC? बताइए, ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? ENIAC का पूर्ण रूप क्या है?
वीडियो लॉक बेटा, वेरी गुड। आवाज़ स्लो है बेटा, मैंने बोल दिया है बेटा आवाज़ तेज हो जाए। इसके फुल फॉर्म हिंदी में क्या होंगे बेटा? अच्छा, NEA किस वर्ष में डेवलप हुआ था बेटा? ये किस ईयर में डेवलप हुआ था और ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है? दो सवाल के जवाब दीजिए। ये किस ईयर में डेवलप हुआ और किस जनरेशन का कंप्यूटर है? ये किस ईयर में डेवलप हुआ और किस जनरेशन का कंप्यूटर है ये बच्चा? NEA क्या होता है? इलेक्ट्रिकल नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओनली बी ऑप्शन। और ये 1945 में इसका विकास हुआ, 1945 में। और ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, प्रथम जनरेशन का, फर्स्ट जनरेशन का। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, भारत का नहीं, पहला, ओवरऑल फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। एक और कंप्यूटर है, इसका नाम है, फर्स्ट जनरेशन का है, यूनिवेक। क्या होता है फुल फॉर्म यूनिवेक का? यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म? ये भी फर्स्ट जनरेशन का ही कंप्यूटर है ना। यूनिवेक पहला कमर्शियल कंप्यूटर था, कौन सा था? आपको खुद कमेंट करना है बेटा, हम क्यों कमेंट करेंगे? आप हमको बताइए यूनिवेक का फुल फॉर्म, पहले आप हमको यूनिवेक का फुल फॉर्म कमेंट करिए, क्या होगा? आपको केवल यूनिवेक का फुल फॉर्म कमेंट करना है, बाकी की बातचीत हम खुद करेंगे। आपको क्या करना है? यूनिवेक का फुल फॉर्म कमेंट करना है, इसके अलावा कुछ और कमेंट नहीं करना है। आपको यूनिवेक का फुल फॉर्म कमेंट करना है, क्या करना है? यूनिवेक का फुल फॉर्म करिए, करिए फटाफट, करिए बच्चों फटाफट मेरे डियर स्टूडेंट। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। कितने बच्चे इस बात से वाकिफ रखते हैं कि सर वाकई सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बच्चे यहाँ पर सही कह रहे हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहते हैं। वेरी गुड बेटा, ठीक है। एक एडसेक भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिले वाला, है ना, स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। खैर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ये भी वो भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, वो फर्स्ट स्टोरेज कंप्यूटर था, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10। अगर बेटा आपको इनके फुल फॉर्म पता होंगे तो आप सवाल लगा लोगे। आप इनके फुल फॉर्म हमको बताइए फटाफट, क्या होता है? ये दोनों तो मैंने आपसे पूछ लिए। मैन में एम क्या होता है? मैन में एम क्या होता है बच्चों? मैन में एम क्या होता है बच्चों? वेरी गुड, वेरी गुड। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का ही है। अगर आपको इनके फुल फॉर्म पता होंगे तो 19 जून 2023 का क्वेश्चन शिफ्ट वन में आया था। आप फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो चाहे ना पता हो। बताइए मैन के एम क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन होता है। क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन, जो एक डिस्ट्रिक्ट की बात करता है, एक शहर की बात करता है, 100-200 किलोमीटर की बात करता है रेंज की। व्हाट इज एल हियर बेटा? व्हाट इज एल हियर? एल, एल का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। एल का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। अब आपको क्वेश्चन आता है, आप टिक कर लोगे। देखो कहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात कर रहा है, बी का 4 हो गया। अब बी का 4 होते ही बेटा आप ये वाला ऑप्शन उड़ा दो, बी का 4 हो गया। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? जो आपकी बिल्डिंग में होता है ना, ये देखो बिल्डिंग में पाया जा रहा है। ए का 3 हो गया, ए का 3, और ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। फुल फॉर्म पता होगा आप आंसर लगा लोगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे मिल रहा है। 11, किसी को दूर शिक्षा पहुंचानी है, अगर आपको एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचानी है तो यहां पर मूक का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मूक? वेरी गुड बेटा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन 11 है बट मैं ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ, जो आपसे एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ बेटा। मैसिव ऑनलाइन, मैसिव ऑनलाइन बेटा, मैसिव ओपन, मैसिव मास में लोगों तक खुला है ऑनलाइन कोर्स, पहुँचाओ जितना पहुँचा सकते हो बेटा, जितना पहुँचा सकते हो पहुँचाओ। क्वेश्चन नंबर 11, ये अगर आपको फुल फॉर्म पता होंगे तो क्वेश्चन उड़ा दोगे। अगर आपको, मेरा क्वेश्चन सिर्फ फुल फॉर्म से है, आज की क्लास ही ओरिएंटेड है
कि जितने प्रीवियस ईयर 2023 का क्वेश्चन है, ये 2023 7 दिसंबर का है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके फुल फॉर्म पे कवर करना, उनके फुल फॉर्म कवर हो जाएंगे, ये डेटा अपने आप कवर हो जाएगा। पहली बात, ये बात कमेंट करो कि सारे के सारे इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या बोथ है। सबसे पहला आंसर आपको ये कमेंट करना है, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस है या बोथ है। ठीक है बेटा, वेरी गुड श्रीकांत बेटा, वेरी गुड। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल। फुल फॉर्म बताओ OCR। OCR में सी क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, दोनों ही बात बराबर है, या रिकॉग्निशन। व्हाट इज सी हियर? ऑप्टिकल सी। सी व्हाट इज सी? ऑप्टिकल रीडर में OCR में सी क्या है बेटा? पूजा रोलान कह रही, आवाज़ कम आ रही है पूजा, आवाज़ बहुत तेज है बेटा जी, गले को बाहर निकाल के आवाज़ देने का प्रयास है। अब देखो आवाज़ बड़ी क्या? सी फॉर कैरेक्टर होता है बेटा। सी फॉर क्या होता है? कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। जितना पूछो उतना कमेंट करो, सारे की सारी इनपुट डिवाइस है। आगे आओ, OMR ऑप्टिकल रीडर। व्हाट इज एम हियर? OMR, अभी NTA ने आपसे OMR में पेपर लिया था और अपनी गलती में लीक कराकर वापस आ गया ऑनलाइन मोड पर। OMR में M क्या है बच्चा? OMR में M क्या है बच्चा? OMR में M क्या है? मार्किंग, ऑप्टिकल मार्क, जो पेन पेंसिल से मार्किंग करते हो। OMR पेन पेंसिल से मार्किंग से समझ में आया? OMR तो ये रहा, ये रहा बेटा B1। B1 कौन सा ऑप्शन है? केवल एक ऑप्शन से टिक कर दिया, देखा? OMR MCQ सीट को चेक करने के लिए करते, एक ऑप्शन से टिक मारा B1। धाएं धाएं धाएं। RFID क्या होता है? RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी RFID स्मार्ट कार्ड्स होते हैं जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, इनपुट्स आपकी जानकारी को लेते हैं कि आपका कैसे दिखते हो, क्या नाम है, क्या ब्लड ग्रुप है, और वो स्कैन कर लेता है। MICR अभी तो करा था, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बोलो यस और नो। यस। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DOI 14 दिसंबर 2023, आपके एग्जाम का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 13। अरे बोलते नहीं हो यार, बोलते नहीं हो। DOI डेटा ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन नहीं, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ठीक है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, क्लियर है? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है क्या? 13 दिसंबर 2023, क्वेश्चन नंबर 14। क्लास को लाइक और शेयर कर लो, सुन लिया करो एक बार में मेरी बात, और बिल्कुल सही जवाब दो, कमेंटबाजी करो। एक बच्चा कह रहा बहुत मजा आ रहा है, बहुत बच्चा, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, लाइक कर लो, शेयर कर लो फटाफट, ठीक है? चलो बहुत हार्ड। LED क्या होता है? ये लाइट इमिटिंग डायोड होता है। CRT कैथोड रे ट्यूब होता है, एकदम। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। कौन सा डिस्प्ले होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है। ये भी सही लिखा, ये भी सही लिखा, केवल ये गलत लिखा है। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब मेरा सवाल आपसे है, P mold यानी OLED, पहले हमें OLED बताओ, OLED में O क्या होता है? OLED तो आप जान गए, लाइट इमिटिंग डायोड, उसके आगे अगर OLED लगा दी जाए तो उसमें ओ क्या होता है? जय माता दी बेटा, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। OLED में बेटा अगर आगे ओ लगा है तो क्या होता है? और यहीं पर QLED भी होता है, क्यू लगा होता है तो क्यू क्या होता है? ये सब आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइस लिखी हुई है बेटा। LED भी आउटपुट डिवाइस है, CRT भी आउटपुट डिवाइस है, LCD भी आउटपुट डिवाइस है, और वीडियो बोले
चाहे इसको वीडियो को ही मॉनिटर कहा जाता है बेटा, मॉनिटर का ही दूसरा नाम वीडियो होता है और इसी को वीडीटी भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल होता है वीडीटी। वीडीटी वीडियो मॉनिटर के ही दूसरे नाम है। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस होती है। जिन डिवाइस के नाम के आखिरी में टर टर आए वो सभी के सभी आउटपुट डिवाइस होते हैं, एक्सेप्ट स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। क्लियर है? तो क्यों होता है क्वांटम? क्यू फॉर होता है क्वांटम बेटा, ओ फॉर होता है ऑर्गेनिक। ओ फॉर क्या होता है? ऑर्गेनिक। क्लियर है भाई? आप लोग जब फोन लेते होंगे तो फोन वाला कहता है या गूगल फ्लिपकार्ट में लिखता होगा कहीं अमूल डिस्प्ले का यूज किया गया। भाई फोन पटक दूंगे टूटेगा नहीं, अमूल डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया, फोन टूटेगा नहीं भाई। तो ओएलईडी तो आपने अभी देखा, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड होता है। व्हाट इज एएम हियर? एएम क्या है बेटा? एएम क्या है? अरे ये 14 नंबर क्वेश्चन, लेकिन हमने तो आपको कम से कम 10 फुल फॉर्म ऐसे बता दिए, ठीक है। ओ एम क्या होता है? ए एम, ए का मतलब होता है एक्टिव और एम का मतलब होता है मैट्रिक्स। एक्टिव मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? एक्टिव मैट्रिक्स होता है। एक्टिव मैट्रिक्स होता है बेटा एक्टिव। अमोल्ड, अगर अमोल्ड की जगह एक दूसरा ऑप्शन आता है पी मोल्ड डिस्प्ले होती है, तो पी की जगह क्या होगा? अगर ए की जगह एक्टिव है तो पी की जगह क्या होगा? हाँ टर टर आया था बेटा, प्लॉटर आया था, हमने कराया था, प्लॉटर और मॉनिटर दोनों आया था। तो पी फॉर पैसिव मैट्रिक्स होता है, पी स्टैंड फॉर पैसिव मैट्रिक्स होता है। पैसिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड होता है। आगे चले, एक और फुल फॉर्म पूछना है आपसे, टीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? टीएफटी, हाँ टीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएफटी? टीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कौन सा फिल्म ट्रांजिस्टर होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, टी एच आई एन, थिन फिल्म। फिल्म बना देंगे, क्या कहता है? फिल्म बना दी भाई, फिल्म, भैंस की आंख फिल्म बना दी भाई, ये वाली बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 15 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीआरएस? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, बताइए जीपीआरएस तो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द आंसर? हाँ क्वांटम नैनो इमिटिंग डायोड, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, क्यूएनईडी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? अल्ट्रा सिक्योरिटी ब्लॉक एकदम नहीं, यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक एकदम नहीं, यूनाइटेड भी नहीं, ये यूनिवर्सल सीरियल बस होता है यूएसबी। अच्छा यूएसबी हो गया, एक एचडीएमआई होता है बेटा, एक एचडीएमआई पोर्ट भी तो होता है, यूएसबी के साथ एचडीएमआई पोर्ट भी होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचडीएमआई? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचडीएमआई? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचडीएमआई? एचडीएमआई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचडीएमआई? एचडीएमआई क्या होता है? एच फॉर हाई, डी फॉर डेफिनेशन। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा पोर्ट बढ़ते जा रहे। मल्टीमीडिया, एम फॉर मल्टीमीडिया और आई फॉर इंटरफेस। बोलते हैं ना एचडीएमआई पोर्ट है भाई, एचडीएमआई केबल लेकर आओ। एक बच्चा कह रहा बिग बॉस में आ जाइए। क्यों बेटा बिग बॉस में क्या दिक्कत आ रही है? क्वेश्चन वहाँ उड़ी बाबा करना है क्या? क्वेश्चन नंबर 17, सारे फुल फॉर्म बता दिए गए हैं। 11 दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। अभिमन्यु कह रहा है एवरीथिंग इज ईजी बाय रजत सर। थैंक यू अभिमन्यु, मेरा बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है अभिमन्यु। बताइए क्वेश्चन नंबर 17। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बहुत बहुत धुआंधार इंसान है आप।
क्या लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है, एकदम। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एकदम। डब्ल्यू क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, एकदम। वीपीएन क्या होता है? वर्चुअल पर्सनल नहीं होता है, प्राइवेट होता है। हर चीज़ पर्सनल नहीं हो सकती, कुछ प्राइवेट भी होना चाहिए। पर्सनल नेटवर्क होता है, क्या होता है? वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क। क्या होता है भाई? वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क नहीं होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है। क्या होता है? प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। जो आपकी क्या करता है, आईपी को ब्लॉक कर देता है। जैसे आप लोग वो खेलते हैं पबजी, इंडिया में पबजी बैन हो गया, तो वीपीएन की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ वीपीएन, लोग अभी भी पबजी खेल रहा है, मान नहीं रहा है, मारा जाएगा तब मानेगा। तो वो क्या करता है, कंट्री को ब्लॉक कर देगा कि पता ही नहीं चलेगा इंडिया से चल रहा है कहाँ से, उसको ब्लाइंड कर देगा। 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 18, SMIME इंटरनेट टेक्नोलॉजी में क्या फुल फॉर्म है? हाँ हाँ, प्राइवेट ही कर रहे बेटा, काहे टेंशन ले रहे हो। 18 नंबर बताइए जवाब, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत मजा ले रहे हैं आप लोग क्लास में, मजा ले रहे हैं। तो क्या होता है सिक्योर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन? क्या होता है सिक्योर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है? क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म जो है ये पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का है, पीपीटी में था तो आ गया। बताइए, वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 18? पैन का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क, बट इसने कहा एयर पॉल्यूटेंट के केस में बताओ। तो क्या होता है पेरोक्सिल एसिटिल नाइट्रेट, याद कर लो। ये हो गया 18 नंबर सवाल। 19, एमएच सेट का क्वेश्चन है, एचटीएमएल का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, ऑफलाइन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 19, लैंग्वेज पर क्वेश्चन है, एक बेटा होता है फोर्ट्रेन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML तो आप लोग बता दो, सिखा बेटा, वेरी गुड, बहुत तरक्की करो। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, मीडिया भी नहीं होता है, मिक्स नहीं होता है, मैंडेटरी नहीं होता है, मार्कअप लैंग्वेज होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रेन? फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, वेरी गुड कविशा गुप्ता, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आते क्वेश्चन नंबर 20। अगर आपको इनके फुल फॉर्म पता होंगे तो सवाल आपके लिए चूरन हो जाएगा। अगर आपको इनके फुल फॉर्म पता होंगे तो सवाल विल बी चूरन फॉर यू। अगर आपको इनके फुल फॉर्म पता है तो सवाल विल बी द चूरन फॉर यू। वेरी गुड कविशा, थैंक यू। फुल फॉर्म पता होना चाहिए। RFID हम लोग बता चुके हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है, ये होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अब CCTV का फुल फॉर्म आपको कमेंट करना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCTV? CCTV बोलते ना, यू आर अंडर द सर्विलेंस ऑफ CCTV कैमरा, यू आर द अंडर, आप CCTV कैमरे की निगरानी में है। तो कोई किसी की गाड़ी नहीं चुराएगा बेटा, कोई किसी का हेलमेट लेकर नहीं जाएगा, भंडारे की पूड़ी केवल आप खाओगे, दूसरे का प्रसाद कोई नहीं चुराएगा। तो आप CCTV की नज़र में है। पता चला किसी की बारात में गए या रिसेप्शन में गए, उसने कहा कि आप CCTV की नज़र में हैं, वहाँ CCTV चारों तरफ घूम रहा है, ड्रोन घूम रहा है, तो छुप जाएंगे यार, रसगुल्ला नहीं खाएंगे, वरना वो कहेगा आप हमारी शादी में आके बहुत रसगुल्ला छाप रहे थे, है ना। तो अगर शादी में CCTV लगा दी जाए तो क्या हाल होगा सोचो, छुप छुप के खाना खाओगे, मास्क लगा कर खाना खाओगे। CCTV क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, क्या बोलते हैं? क्लोज सर्किट टेलीविज़न।
तो ये सब शॉर्ट रेंज के लिए होते हैं बेटा। ये सब क्या होते हैं? शॉर्ट रेंज। सीसीटीवी हमारे आसपास के एरिया को कवर करता है, आरएफआईडी वहीं पर कार्ड, जब कार्ड जहाँ पर होगा, जहाँ डिवाइस होगा उसी को स्कैन करेगा। वायरलेस क्या है? जहाँ तक उसकी रेंज होगी वहाँ तक वो पकड़ पाएगा, ठीक है। तो तीनों के तीनों क्या है? शॉर्ट रेंज है। फुल फॉर्म से ही पता चल जाएगा शॉर्ट रेंज है कि दूर है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात आता है, क्वेश्चन नंबर 21। फुल फॉर्म पता होगा, सवाल का आंसर आ जाएगा बेटा। फुल फॉर्म, अभी रुक जाओ, ये वाला क्वेश्चन नहीं, पहले फुल फॉर्म वाले डायरेक्ट सवाल कराते हैं। अब ये तो क्वेश्चन उसका आ गया यार, पीडी का क्वेश्चन आ गया, बट फुल फॉर्म करा रहे थे, स्लाइड्स में था तो करा दे रहा हूँ। मुन्ना भाई वाला सर्किट एक बच्चा कह रहा है, शॉर्ट लैंड, वेरी गुड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीओडी? भंडारा कितना टेस्टी होता है, एक बच्चा कह रहा है। कंपरेटिव नहीं, कॉमन नहीं, क्लासिफाइड नहीं, कार्बनिकस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, यहां पर ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है टीबी का बेटा, टेराबाइट का। किसका? टेराबाइट का। ये मेगाबाइट का फुल फॉर्म लिखा हुआ है ना, और ये आप ऐसे करो, ये टेराबाइट का है, ये मेगाबाइट का फुल फॉर्म है, ये किलोबाइट का है, और ये गीगाबाइट का है। मैं आपसे पूछता हूँ जेड बी का फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाट इज द जेड बी का फुल फॉर्म क्या होगा? मेरा सवाल आपसे ये है, जेड बी का फुल फॉर्म क्या होगा? और दुनिया का कोई व्यक्ति, सॉरी दुनिया कह रहा हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति है जो सबसे लार्जेस्ट मेमोरी को कमेंट कर सकता है, और उसका फुल फॉर्म भी बताना पड़ेगा आपको। पहले लार्जेस्ट मेमोरी बताओ कौन सी होती है, लार्जेस्ट मेमोरी स्टोरेज के फॉर्म में लार्जेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? जैसे टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट, ये सब होती है, वैसे लार्जेस्ट कौन सी होती है, सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी होती है? सबसे बड़ी लार्जेस्ट का नाम बताओ। बिलियन का मतलब होता है बेटा करोड़, 10 की पावर 9 करोड़ होता है बेटा, करोड़। तो वो गीगाबाइट के बराबर होता है। जैसे हमारे कंप्यूटर की स्पीड को हम लोग अपने MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या गीगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मेजरमेंट करते हैं, जो कि अब हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज होगी, 4.5 क्लॉक स्पीड, 4.5 गीगा हर्ट्ज होगी, राइट। वो सब बातें बात की है। आई वांट टू नो जेड बी का फुल फॉर्म क्या होता है? जेटाबाइट होता है। क्या होता है? जेटा होता है या जोटा होता है? क्या होता है? जेटाबाइट होता है, वेरी गुड। चलो आपसे मान के लिख ले रहे जेटा। लार्जेस्ट मेमोरी का नाम बताओ, लार्जेस्ट क्या होता है? जीपी, जीबी होता है, जियोप वाइट बोलते हैं, जियोप। लार्जेस्ट क्या होती है? जियोप वाइट। क्या होती है? जियोप वाइट होती है, योगा नहीं होती बेटा, जियोप वाइट होती है, ठीक है। जियोप वाइट, कौन सी वाइट? जियोप वाइट, ठीक है, GEOP, जियोप वाइट, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस मेमोरी का होता है, बन के बी के मांगता है पीजी, कहाँ पर मांगता है? बीजी के लिए मांगता है। ये लार्जेस्ट होती है जियोबाइट, उससे थोड़ी छोटी होती है ब्रोंटोबाइट, उससे कम होती है आपकी योटाबाइट, फिर जेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर किलोबाइट, फिर बाइट, फिर निबल, फिर बिट होती है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, ये तो अभी कराया, हटाओ गोली मारो इसको, ये भी ज़रूरत नहीं है इसकी, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी अभी कराया हमने, सब करा दिए क्या? आओ क्वेश्चन नंबर 23 बताओ, NMEICT का फुल फॉर्म क्या होता है? NMEICT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल मिशन, तो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। अच्छा एक बात पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या आपको ICT का फुल फॉर्म पता है कि नहीं? दुनिया भर के फुल फॉर्म करा रहा हूँ, ICT का फुल फॉर्म कमेंट करो एक बार जरा। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। क्वेश्चन नंबर 23, कमेंट द फुल फॉर्म ऑफ ICT। ICT का फुल फॉर्म क्या होगा?
बोलो भाई। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होगा? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा फुल फॉर्म इनकरेक्ट है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन। यस, डेली 9 बजे। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, फुल फॉर्म ऑफ दिस क्या होता है? फुल फॉर्म पता चला, फुल फॉर्म ही नहीं पता जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वेरी गुड। जीपीएस अभी बताया था, एकदम सही लिखा हुआ है। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। जीआईएस क्या होता है? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। क्या होता है? सिस्टम होता है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है बेटा, ठीक है। अच्छा, एक और फुल फॉर्म पूछना है, पहले के ज़माने में अभी भी यूज़ होता है, अब थोड़ा कम हो गया, एसडी कार्ड का यूज़ करते थे आप लोग। तो एसडी कार्ड में एसडी का फुल फॉर्म क्या है? आज भी यूज़ करते हैं, अब थोड़ा कम हो गया, फ़ोन में ही इतना इंटरनल स्टोरेज रहता है कि एसडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वेरी गुड, वेल डन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसडी? हाँ, एसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योर डिजिटल होता है। क्या होता है? सिक्योर डिजिटल होता है, सिक्योर डिजिटल। अच्छा, एक और होता है एमएमसी। एमएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये कौन सा कार्ड होता है? सिस्टम नहीं होता है बेटा, सिक्योर स्टोरेज डिवाइस होता है। एक बच्चा कह रहा है, बोल्ड हो जाओगे बेटा जानकी। सॉलिड स्टेट ड्राइव तो एसएसडी होता है बेटा, वो एसएसडी और मैंने एचडीडी नहीं पूछा है। सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव, मैंने एसडी कार्ड की बात करी, सिक्योर डिजिटल कहते हैं उसको बेटा, एसडी कार्ड। एमएमसी क्या होता है? मल्टीमीडिया कार्ड होता है। क्या होता है? ठीक है, मल्टीमीडिया कार्ड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया कार्ड। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25, शॉर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताओ बेटा। बताओ बच्चों, बताओ बताओ। हाँ, तो स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, हाय जुगुलर एंड। अच्छा ठीक है, एच डी रैम क्या होता है? सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपने अगर डी रैम का नाम सुना होगा तो दो चीज़ देखोगे, एक एच डी आर, एक डी डी आर रैम, डी डी आर 1, डी डी आर 2, डी डी आर 3, डी डी आर 4, डी डी आर 5 पढ़ा हुआ है, सुना है? तो यहाँ पे डी डी आर का फुल फॉर्म क्या होता है? हमने क्या कहा, आपने DRAM यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में पढ़ा होगा, दो तरह की होती है, HDR और DDR। DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 और DDR5 का इस्तेमाल किया होगा आपने, जो आजकल यूज़ होती है, ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र की रेट होती है। तो DDR का फुल फॉर्म क्या होता है? DDR, तो ये डबल डेटा रेट होती है। क्या होती है? डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट। एसडीआर क्या होता है? सिंगल डेटा रेट। ठीक है, याद रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26।
आशिकी में तेरी, ये इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वेरी गुड, बताइए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आशिकी का फुल फॉर्म क्या होगा? मजा आ रहा है कि नहीं यार आज की क्लास में? ऐसी रोज क्लास चाहिए ना आप लोग को? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। इंटेलिजेंट इंटीग्रिटी नहीं होता, आइसोलेटेड नहीं होता, ये होता है आशिकी का फुल फॉर्म। ठीक है, एक होता है एम रोम, का नाम सुना हुआ आपने? एम रोम, रोम तो होता है रीड ओनली मेमोरी, जो कि आपकी एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। बट व्हाट इज एम हियर? बचपन में आपने कोई पानी वाला वो खेला, बटन दबाओ छल्ले उछलते हैं, या गाना बटन दबाओ गाना चल छैया 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 गाने बजते थे, वही उसी तरह की एम रोम होती है। एक बार गाना डाल दिया गया फिर उसको आप बदल नहीं सकते। तो व्हाट इज एम हियर, व्हाट इज एम हियर, व्हाट इज एम हियर? मास्क्ड रोम, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। कौन सी? मास्क रीड ओनली मेमोरी, है ना? हिंदी में क्वेश्चन कराया करो, इसमें क्या हिंदी, अमेरिका को हिंदी में अमेरिका ही तो लिखा जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए पता नहीं, 27 हो गए बेटा। अमेरिका को हिंदी में तो अमेरिका ही लिखोगे ना, 28। ये मैंने एक्सप्लेन करा था लेकिन आपके एग्जाम में पूछा गया, 28। अमेरिका को पाकिस्तान थोड़ी लिख देंगे, अमेरिका विल बी रिमेन अमेरिका बेटा। अमेरिका इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में भी तो अमेरिका लिखा जाएगा। आप ये मत कहना सर हमें इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है इसलिए आप इंग्लिश को हिंदी में लिखो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं बच्चा, ए बालक कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, 1945 ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर क्वेश्चन के बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बताइए, हमने आपको इन तीनों के फुल फॉर्म बता दिए हैं, इसका भी बता दिया, इसका बता दिया, इसका बताइए ये क्या है? और इन दोनों का फुल फॉर्म हमें आपसे जानना है, HTTP क्या होता है और ISP क्या होता है, और आपको ये बताना है कि इन तीनों के फाउंडर कौन है, जनक कौन है इन तीनों के, इन तीनों के डेवलपर कौन है, हु डेवलप ये, इन तीनों चीज़ों को किसने डेवलप किया था। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। अब HTTP के साथ S लिख कर आता है, S, व्हाट इज S हियर? अब HTTP नहीं होता है, HTTP के साथ S लिख कर आता है। अब क्या लिख कर आता है? अभी देखो बेटा, अनएकेडमी, आ जाओ अनएकेडमी पर सारे बच्चे, unacademy.com, ध्यान से देखो, अभी हम आपको दिखाते हैं कॉपी करके पेस्ट। देखो आपको ये HTTPS दिख रहा है क्या? क्या आपको ये HTTPS दिखाई दे रहा है? यहाँ पर दिख रहा है बेटा, आपको दिख रहा है बच्चा, मेरे छोटे छोटे बच्चों को दिख रहा है क्या? मेरे छोटे छोटे बच्चों को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा, छोटे छोटे बच्चे कैसे दिखेगा उनको, छोटे छोटे बच्चों को दिख रहा है क्या? यहाँ पे HTTPS लिखा हुआ है, S स्टैंड फॉर सिक्योर होता है बेटा, सिक्योर, ये होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इन तीनों के संस्थापक एक क्रांतिकारी व्यक्ति था, TBL, कौन था? TBL, टिम बर्नर ली। क्या नाम था उसका? टिम, क्या नाम था उनका? टिम बर्नर ली। अब सवाल का आंसर कर लो, सेट ऑफ रूल, तो कौन सा सेट ऑफ रूल होता है? HTTP इज अ सेट ऑफ रूल, HTTP, क्योंकि प्रोटोकॉल क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29,
क्वेश्चन नंबर 30, हम इसे हमको इस सवाल से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पर फुल फॉर्म देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यूपीआई का फुल फॉर्म जो लिखा है यूनिफाइड पेमेंट सर्विस, भीम का फुल फॉर्म क्या होगा पहले कमेंट करो, फिर आंसर पर आएंगे। पहला सवाल भीम का फुल फॉर्म क्या होगा, दूसरा स्वयं का फुल फॉर्म क्या होगा। भीम का फुल फॉर्म जानना है मुझे और स्वयं का फुल फॉर्म जानना है, भीम और स्वयं का फुल फॉर्म आपसे जानना है। बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम एंड स्वयं। छोटा भीम की बात नहीं चल रही है, ये पेमेंट वाला भीम है। प्रियंका कह रही उम्र में हम आपसे बड़े हैं, नमस्ते प्रियंका। आइए भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी क्या होता है भाई, भारत इंटरफेस फॉर मनी। नाउ स्वयं का फुल फॉर्म क्या होता है, एक दो बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। स्वयं स्टडी वेब क्या होता है, एस फॉर स्टडी, डब्ल्यू फॉर वेब, ए फॉर एक्टिव, यंग लर्निंग, फॉर एस्पायरिंग माइंड्स, MINDS, स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग, एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्टडी वेब फॉर एक्टिव लर्निंग, स्टडी वेब एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये होता है ये। तो ये स्वयं पर कह रहा है कि फीस लेगा भाई, स्वयं प्रग्रुप फ्री होता है, तो ए वाला करेक्ट है और सी वाला यानी कि लास्ट वाला गलत है, तो सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, 31, ठीक है। एक सवाल ये बताइए 31, कौन सी टेलीकॉम सर्विस जो है भारत में क्लोज हो गई है। हमें आपसे ये जानना है कि फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, फैक्स किस ईयर में डेवलप हुआ, और हु इज़ द फादर ऑफ फैक्स, या फाउंडर कह सकते हो आप, जनक, जनक हिंदी वाले बच्चे जनक जानेंगे, अंग्रेजी वाले इन्वेंटर जानेंगे, फाउंडर बताओ। अरे बच्चा बताओ ना बच्चा, बताते क्यों नहीं हो जी आप लोग, आप लोग बताते क्यों नहीं हो जी, बताया करो ना जी, कैसे काम चलेगा अगर आप नहीं बताओगे तो, बताओ जी एक बार। ए बच्चा जी बताइए ना, अरे बच्चा बताओ ना, टेलीग्राफ को बंद कर दिया गया 1853 में, स्टार्ट हुआ था 2023 में बंद कर दिया गया था, 1853 में स्टार्टेड हुआ था और 2013 में सॉरी बंद कर दिया गया था। ओके नाउ फैक्स का फुल फॉर्म फेसीमाइल क्या होता है, फेसीमाइल, फेसीमाइल ये इसका फुल फॉर्म होता है। एलेक्जेंडर ब्रेन का नाम आता है, कौन आता है फाउंडर में, एलेक्जेंडर ब्रेन का नाम, फाउंडर में किसका नाम आता है, एलेक्जेंडर ब्रेन का, बेन, एलेक्जेंडर बेन का नाम आता है। इन विच ईयर 1843 या 1943, इन विच ईयर 1843 फैक्स वाज डेवलप, 1843। अगला सवाल, फैक्स इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या बोथ है, फैक्स बताइए, फेसीमाइल, एलेक्जेंडर बेन, ये एक इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, 1843 है ना फेसीमाइल, तो ये क्या है, ये दोनों है, इनपुट और आउटपुट दोनों है बेटा, क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों है, ठीक है। जिस चीज को आप पढ़ रहे हो आईसीटी, आईसीटी शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, का शब्द सबसे पहले, फर्स्ट टाइम आईसीटी वर्ड का यूज किसने किया था और किस ईयर में किया गया था, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 8 आईसीटी को आप देख रहे हो,
आईसीटी शब्द का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था और वो किस वर्ष में नाम लिया गया था, आईसीटी का टर्म सबसे पहले नाम इस्तेमाल किया गया था, आईसीटी 1997 में यूज किया गया था, किसका नाम था, जॉनस स्टीवेंसन, क्या नाम था, जॉनस स्टीवेंसन ने आईसीटी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था, स्टीवेंसन, ठीक है, जॉनस स्टीवेंसन या डेनिस स्टीवेंसन आप बोलिए, राइट होगा डेनिस स्टीवेंसन, डेनिस, डेनिस स्टीवेंसन, कौन सा, डेनिस स्टीवेंसन, वेरी गुड बेटा, नेशनल करिकुलम को रिवाइज किया गया, वेरी गुड। अच्छा हु, ये लैंडलाइन लिखा हुआ है, हम अगर टेलीफोन की बात करें, टेलीफोन किस वर्ष में टेलीफोन की खोज की गई या इन्वेंशन हुआ और किसके द्वारा किया गया, आप बताओ, टेलीफोन, टेलीफोन के कौन है जो टेलीफोन के संस्थापक हैं, सॉरी टेलीफोन के इन्वेंटर खोजकर्ता कौन है और किस वर्ष में किया गया था, बताइए। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राम बेल के द्वारा टेलीफोन का ये किया गया, बोलो यस और नो, अलेक्जेंडर ग्राम बेल आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 31, चलो आज के लिए इतना रखा जाए, ये लास्ट सवाल फुल फॉर्म पर था लेकिन अब छोड़ो, चलो लास्ट सवाल करते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, 32 या 34 हुए, ये लास्ट सवाल इसमें हम हिला के रख देंगे बेटा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर दीजिए पहले फटाफट, फिर मैं आप लोग को हिला देता हूँ, आप इसके आंसर दीजिए फिर आई विल ट्राई टू हिलाइंग यू, आप सबको हिलाने की कोशिश की जाएगी। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जवाब दीजिए, अभी कहाँ जा रहे हो बेटा, अभी तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बाकी है, कहाँ जा रही हो अभी, कहाँ जा रहे हो बेटा, चलो अच्छा जाओ हटाओ, एल्स ये कौन सा एक आउटपुट डिवाइस, ये भी है ये भी है ये भी है, टच स्क्रीन नहीं होगा, इनपुट और आउटपुट दोनों है, ठीक है, वेरी गुड बेटा, इनके सबके फुल फॉर्म पता है। अच्छा एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, डॉट, खैर लीव इट, आज इतना रखते हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, टोटल फुल फॉर्म 60 हो गया, एक बच्चा हिमानी त्यागी कमेंट कर रहा है, टोटल फुल फॉर्म 60 आपने कराए, 50 का